तो फिलहाल गाइस भाई हम आ गए रेगिस्तान में। ये चेक करो भाई रिएक्शन, पहाड़ देखे भाई, जयपुर के पहाड़ भी तो चेक करो, ये तो बनता ही है भाई। पीछे एक डॉग मर गया, किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया। उठा जल्दी, वकील हो गया उन सबके यहाँ के जो भी आते हैं। तुम्हें अब पड़ा होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप कुछ बता रही है। फिर भी ये काफी पुराने हैं भाई, अभी नहीं बने पुराने। तो हे गाइस, जय श्याम सभी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस कैसे आप सब, आई होप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। भाई आ गए हम फिर से एक और नए वीडियो के साथ, जो कि होने वाला भाई अपने जयपुर सीरीज का एपिसोड 5। तो भाई इस एपिसोड में हम कहाँ जाने वाले भाई? तो इसमें जाने वाले भाई हम भानगढ़ किला। और भाई हमने सुना है भानगढ़ किले के बारे में बहुत कुछ, जैसे कि वहाँ पे भूत रहते हैं, ये सब सुना है भाई। वो इंडिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, और पीछे क्या बोल रहा है मुझे। तो भाई मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है, तो भाई वहाँ देखें आपको। हमने सुना तो भाई भूत रहते, देखते हैं भाई वहाँ कौन से ज़्यादा भूत पिसाज रहते हैं, उनसे सबसे मिलेंगे और आपको मिलाएंगे। और फिलहाल तो भाई एक बार हमारा रूम चेक कर लो क्या है। ये भाई अपना रूम है, इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रखी है, वैसे तो बहुत अच्छा था। ये देखो बिजी है भाई, पीने में पूरी पूरी स्प्राइट पी है भाई। इस स्प्राइट को ठंडा करने का काम ने एक ही चीज नहीं किया। ये देखो भाई, ये हमारे पास फ्रिज भी है, हमारे पर्सनल फ्रिज, टीवी भी है और बाथरूम भी है, फ्रिज एसी भी है, कुछ देर में बोलेगा बीवी भी है। तो गाइस हमारे पास सब कुछ है, बट इसके पास बीवी भी है, देख ले बेटा तेरी बहू छोड़े चली जाएगी। तो गाइस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं भाई सीधे अपने होटल से। और एक दिक्कत और, अभी हमने होटल बुक किया था लेकिन हुआ नहीं, वो भी है अच्छा सा कोई होटल भी ढूंढना है। पहले निकलते हैं यहाँ सीधे, मिलते हैं आपसे ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो गाइस फिलहाल भाई चेक करो भाई एक बार, वो भाई वो इस एग्जॉस्ट के साउंड के साथ गाइस हम आ चुके भाई अपने ब्लॉगिंग सेटअप पे। और सामने चेक करो भाई, पहाड़ दिख रहा है पूरा का पूरा। और अभी तक भाई बहुत ट्रैफिक है, इसलिए हमने ब्लॉगिंग सेटअप ऑन नहीं किया था, बट अब कर लिया। हम थोड़ा जयपुर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में आ गए ना इसलिए, और पहाड़ भी दिखेंगे यहाँ से। सामने चेक करो भाई, जहाँ हम रात को गए थे नागर फोर्ट, तो वो है सामने। और ये चेक करो भाई, पर कितने सारे पहाड़ हैं, है ना, गजब भाई, मज़ा आता है ये सब देख के, दिल खुश हो जाता है। बाकी तो यार अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम मैं आगे चल के बताऊँगा। अपने मूड ख़राब है, इस टाइम ब्लॉगिंग करने का मेरा कोई मूड नहीं है, देख रहे हो, बट ये पहाड़ देख के रुका नहीं जाता ना। दिक्कत ये भाई मेरे फ़ोन से वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, जो कि उसमें आने के लिए अपलोड करने के लिए VN से वगैरह, जो कि एडिटिंग ऐप होता है उससे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है भाई, मेरे व्यू अपने आप 3K थे और उस पर 2K 1.8K ऐसे रह गए, तो इसलिए और ज़्यादा मूड ख़राब है। तो कोई भी मज़ा नहीं आ रहा व्लॉग करने में, देख रहे हो भाई, फुल थम्स अप मिल रहे हैं यहाँ पे बाइक्स को। हाँ टेल टाइट ही, नंबर प्लेट नहीं है भाई की बाइक पे, बट ये पहाड़ चेक करो यार, कुछ मिले रैफ करनी पड़ती है भाई, एग्जॉस्ट का फायदा यही है, बंदे ना खतरनाक रिएक्शन देते हैं। ओहो बाकी गाइस ये चेक करो भाई सामने क्या है, ना करते भी ब्लॉगिंग मुझे करनी पड़ जाती है। मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे, मतलब रात को हमें इतना कुछ नहीं दिख रहा था, बट इस टाइम चेक करो भाई, अगर व्यू चेक करो यार का, ये चेक करो भाई खतरनाक व्यू है ना चारों तरफ का, बहुत ज़्यादा डेंजर है भाई। पहाड़ों के बीच में चल रहे हैं हम, आ गए क्या मनाली फिर से, लग तो कुछ ऐसी रहा, थोड़ा थोड़ा मनाली आ गए हो। आज का अलग ही सीन है यार, व्यू भी अच्छा आ रहा है, मौसम भी अच्छा आ रहा है, बट माइंड अच्छा नहीं है आज, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, डिस्टर्ब हूँ थोड़ा। तो क्या ये चेक करो भाई एक बार, देख रहे हो सामने खतरनाक सीन है भाई, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हो चारों तरफ कैसा, वो एकदम किला टाइप का बना हुआ है, चारों तरफ पूरा किला सा बना हुआ है, इधर भी हो इधर भी। ये काफ़ी पुराने हैं भाई, अभी नहीं बने पुराने, इनमें पेंट वगैरह हुए थे, नए से लग रहे हैं बट बहुत पुराने भाई। देख रहे हो चारों तरफ किला, जैसे राजा महाराजा निकलते ना बीच में से, पूरा दरबार भाई, गजब गजब। और सामने पहाड़, वो तो गाइस लग रहा है भाई पूरे रास्ते पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे हमें। वो सामने सामने चेक करो भाई ये क्या है,
कौन सा किला है ये? भाई रिएक्शन तगड़े आ रहे हैं एग्जॉस्ट पे। भाई अच्छे रास्ते यार, ये बड़ा मजा आ रहा है। चारों तरफ एक बार चेक करो भाई, ये चेक करो पूरा का पूरा पहाड़। यार ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे तो कहाँ घर जाने का मन करेगा हमारा। तो अभी का ये सीन है भाई, हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं भानगढ़ किला। तो वहाँ से कुछ भूतों से ही मिलाएंगे आपको, क्योंकि हम शाम तक ही दोपहर को पहुँच जाएंगे, उसके शाम तक वहीं मज़े लेंगे और पूरे पूरे भूतों से मिलाएंगे आपको। सुना जा रहा भाई बहुत हॉन्टेड प्लेस है वहाँ, बहुत सारी वेब सीरीज मूवीज़ वगैरह भी शूट हुई हैं, इसलिए भाई और देखने का मन हुआ। भूत भूत होएगा नहीं होएगा वो सब देखेंगे। बाकी तो भाई आज भाई व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। और दूसरी भाई एक और, हमें अभी पहले तो होटल पहुँच रहे हैं, हमने होटल भी नहीं ले रखा, ना बुक किया ना कुछ, वहाँ ढूंढना पड़ेगा होटल, कोई बुक ही नहीं हो रहा, तो होटल ढूंढेंगे। बाकी तो गाइस पहाड़ों पहाड़ों में चल रहे हैं, अब चलते गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि रात तक बनेगा ये पूरा दिन का ब्लॉग है, तो बहुत लंबा होने वाला है। तो चलते गाइस सीधे जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। भाई पीछे एक डॉग मर गया, किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया बेचारे को, तो उसको भी चलते हैं भाई साइड करते हैं। जैसे कि हमें कभी भी कोई कुछ भी दिखता है ऐसा जानवर तो हम उसे साइड कर देते हैं। जैसे आपने, हम अयोध्या गए थे तब भी हमने यही किया था, बाकी अभी भी यही करने जा रहे हैं। तो इसको करते हैं थोड़ा साइड में, लेकिन साइड में या करेंगे कहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा। उठा उठा तू आगे वाला पैर पकड़, मैं पीछे वाला, उठा जल्दी। इसको इधर कर दे, चाहे चल चल अब निकल ले, आजा। अरे अंकल इतनी नहीं आएगी, हम उधर आगे कर रहे हैं, उधर से नहीं आएगी। अरे उधर नहीं आएगी अंकल, उधर नहीं आएगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो, या तो आप बता दो बाहर रखना है। बीचों बीच पड़ा हुआ है, उठा उसको। अरे उठा लेंगे, तुम जाओ ना अपनी दुकान पे, हम उठा कर देंगे। अब हम जा रहे हैं, तो जाओ ना यहाँ पे। अरे तुम्हारी क्या, तुम कौन है, तुम वकील हो क्या उन सबके यहाँ के जो भी आते हैं? तुम्हें अपनी दुकान से मतलब है यहाँ पे आने वालों से? आपकी दुकान पास तो नहीं डाल रहे ना भैया? तो दुकान से तो अंकल बहुत दूर है। ठीक है, कोई मरा हुआ जानवर है रोड पे पड़ा होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप कुछ बता रही है एक्सीडेंट हो गया किसी का, फिर बाइक पे चढ़ गया तो? अरे यार भाई साहब, हम रोड के जब आप कर नहीं सकते तो आप बोलो। अरे यहाँ नहीं आएगी अंकल, तुम्हारी दुकान तक बदबू नहीं आ रही, आ जा आ जा आ जा। बस यहाँ पे कोई मजदूर आ रहा है, एक आदमी नहीं दिख रहा सारा। अरे मजदूर मजदूर क्या बात है यार, जब आप एक बात कर ही रहे अंकल, तुम वहाँ चीखते हुए आ रहे हो। एक्सीडेंट वो बात आ गई, मैं मान रहा हूँ यार, ये चालू मैं समझा रहा हूँ, आओ यार भाई वो वहाँ से इधर। अरे भैया आप आओ यार। तो फिलहाल गाइस अभी का ये सीन था भाई, वो डॉग मर गया था, बट यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं उसको, लेकिन कोई साइड नहीं हटा रहा, देख रहे हो। अगर इनके घर का जानवर हो तो उसको साइड हटाते ना, बट ये डॉग था इसलिए नहीं हटाया किसी ने, कोई स्ट्रीट डॉग है। बाकी अगर घर का होता जरूर हटाते, लेकिन भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, हटाना चाहिए। अब ये मान लो चलो वो तो मर गया ना, अगर अब किसी का एक्सीडेंट हो जाए उस पर, कोई गलती से बाइक चढ़ जाए या कुछ भी चढ़ जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और फिर तो आएंगे ना ये लोग उठाने के लिए, कोई घर वाला हुआ रिलेटिव वो तो क्यों आएंगे। इसलिए कभी भी आपको कोई जानवर दिखे ना उसको प्लीज़ रोड से साइड कर दो, बेचारा उसकी गलती नहीं है, उसको नहीं पता था कि कोई इस पर गाड़ी चढ़ा देगा, तो भाई प्लीज़ उसको साइड कर दो, ऐसे मत छोड़ना कभी भी। तो हम तो हमेशा करते हैं भाई, हमें जब भी कोई जानवर ऐसे रोड पर दिखा हम उसको साइड ज़रूर करते हैं। पहले भी आपने देखा, हमने अयोध्या में भी हमें दिखा तो हमने ज़रूर किया, अभी भी किया हमने। तो बाकी गाइस चलते हैं अभी यहाँ से सीधे भानगढ़, अब व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता भाई ये देख के। बंदे देख रहे हो भाई लड़ने आ गए, हम उसको साइड हटा रहे हैं, हमसे लड़ने को तैयार है, उसकी दुकान से इतना दूर है फिर भी। चलो कोई नहीं भाई, जिसकी जैसी सोच, चलते बाकी यहाँ से सीधे भानगढ़, मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। तो गाइस भाई हम रोडों से निकल के आ चुके हैं भाई गाँव की सड़कों पे, चार तरफ का सीन चेक करो भाई, जहाँ तो सिर्फ खेती के दिख रहे और कुछ नहीं दिख रहा, और सामने पूरा का पूरा खाली रोड। ऐसे रोड भी अच्छे लगते हैं भाई, बिल्कुल पतले नहीं खाली है ना, इसलिए मज़ा आ रहा है, और टूटा फूटा नहीं है। बाकी चारों तरफ का व्यू यार बहुत तगड़ा देख रहे हो चारों तरफ, और धूप भाई इतनी हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे तो जैकेट नहीं आ भाई, बहुत गर्मी लग रही है। और अभी यहाँ से थोड़ा सा है शायद 10-15 किलोमीटर रह गया भानगढ़ किला, तो वहाँ चलेंगे सबसे पहले भाई, रूम पहुँचेंगे बाहर नहा धोके सीधे निकलेंगे भानगढ़ किले के लिए। बाकी तो अभी भाई हमने उस डॉग को बेचारे को साइड किया उसके बाद। तो फिलहाल का भाई हम आ गए रेगिस्तान में, पूरा चारों तरफ भाई दूर दूर तक देख सकते हो कोई बंदा नहीं दिख रहा, और हम पूरा भाई रेत में बाइक चला रहे हैं, देख रहे हो नीचे चेक करो एक बार,
देख रहे हो ये तेरी बहन को नमन। गिरे भाई, पूरा का पूरा रेत है यहाँ पे चारों तरफ और कुछ भी नहीं है, देख रहे हो। और सामने पहाड़ भी हैं, इसलिए भाई भानगढ़ जा सबसे, तो भाई जयपुर में से एक सबसे अच्छी चीज़ भानगढ़ किला भी है वो शायद इसलिए, और बाइकर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमें ऑफ रोड भी मिल रहा है, रोड भी मिल रहा है और पहाड़ भी मिल रहे, सब कुछ एक ही जगह। देखते भाई बिना पैर नीचे करे अपनी बाइक चलेगी नहीं चलेगी, चल जाएगी देखे क्योंकि पीछे वाला थोड़ा ऑफ रोड टायर है ना इसलिए। भाई 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 देख रहे पूरे पूरे टायर ना घूम रहे इधर से उधर, देखता कोशिश करता बिना पैर रखे निकालूंगा सब, जहाँ तक है बहुत कम पैर रखे क्योंकि भाई हमने रेत में बाइक चलाई है ना अपने गांव में गंगा जी पे इसलिए भाई का चारों तरफ भाई कुछ नहीं दिख रहा, सब सुनसान सा रोड ही रोड है क्योंकि भाई राजस्थान है तो ऐसे ही हो रहा चाहिए। बाकी ये आया रोड, ओ तो गाइस भाई यहाँ पे हर तरफ रेत ही रेत है यार, मजा बड़ा आ रहा है ऐसे रेत में चलाने में, कई अचार रोड फिर रेत, बहुत मजा आ रहा है। चारों तरफ भाई फुल ऑफ रोड है, यहाँ पे पूरे के पूरे खेत ही खेत दिख रहे चारों, और कुछ नहीं दिख रहा, देखो एक बार चेक करो। और सामने हम और हमारा रोड प्यारा, और भाई भानगढ़ पहुँच जाएंगे, बट गर्मी बहुत हो रही है यार, और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है यार, बैग हिल गया मेरा पूरा ब्रेकर से। भाई भाई अपना पीछे का ऑफ रोड टायर ने इसका बहुत फ़ायदा भाई ऐसे रोड पे, और कहीं होना हो ऐसे रोड पर बहुत फ़ायदा है चलो यार कुछ तो प्रॉफिट मिला, और अगला टायर भी काफ़ी चिकना हो गया ना इसलिए वो फिसल नहीं रहा, क्योंकि एक थोड़ा ग्रिप होती है वो फिसलता है, कटता है, और जो बिल्कुल चिकना हो जाए ना वो नहीं फिसलता। बाकी तो गाइस मज़ा आ रहा भाई इस ब्लॉग में, बताना भाई कैसा लग रहा, और रास्ते में रिएक्शन बहुत तगड़े तगड़े आते हैं वो भी कैप्चर करे हैं शोम ने, बाकी मैंने नहीं करे क्योंकि मेरा मूड सुबह से खराब है यार, मेन रीज़न ये है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। अंकल जी थैंक यू, तो गाइस हमने अंकल से रास्ता पूछा था, और बाकी अंकल ने एक और चीज़ बताई थी, यहाँ की कचौड़ी वगैरह मिलती है तो बिल्कुल नहीं खानी है क्योंकि भाई यहाँ कोई खिला के आपको लूट सकता है भाई, सुनसान रास्ते है कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कोई ढाबा पड़ेगा वहाँ खाएंगे हम, कुछ भूख लग रही है यार बहुत तेज। ओ गाइस तो एक बार ये चेक करो भाई, आ चुके हैं भाई फिर से पहाड़ों में, देखो भाई ये चेक करो सामने पहाड़ दिख रहे हैं आपको, कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई, बहुत प्यारे लगते हैं देख रहे हो आप, पहाड़ों के बीच में बाइक चलेगी हम देख रहे हो चारों तरफ, यो हाँ भाई ने फीलिंग थोड़ी सी राइडर वाली, बहुत तगड़े रिएक्शन है भाई बहुत तगड़ा, देख रहे मांगे मेरे से क्लिप, इसे मैं क्लिप देने वाला नहीं हूँ, रिश्वत लगेगी शुभम इस क्लिप के लिए। वो तो अभी भाई सबसे बड़ा चैलेंज है होटल ढूंढना, यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर यू पार कर देंगे क्योंकि आगे हम अभी रोड पे। भाई भाई गजब गजब मजा है यार, इतने तगड़े रिएक्शन मिले थे बहुत ज्यादा, ये चेक करो भाई रिएक्शन, ये चेक करो बच्चों का रिएक्शन चेक करो गाइस, एक बार ये चेक करो भाई सामने पूरे के पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, अब देखा ना प्रॉपर पहाड़ ये आया, मतलब इधर रिएक्शन कैप्चर करो भाई भाई ये रिएक्शन बहुत आ रहे हैं इस टाइम पे भाई, मज़ा आया भाई देव चार तो चेक करो यार, कहाँ गए हम, आपने हर जगह पहाड़ देखे और जयपुर के पहाड़ भी तो चेक करो, ये तो बनते ही है चेक करना। तो हे गाइस फिलहाल आ चुके भाई अपने रूम में, और हमें रास्ते में होटल दिख गया, तो हमने देखते ही भाई पहले सबसे पहले होटल ही देखा, तो भाई यहाँ सिर्फ भानगढ़ किला जो है यहाँ सिर्फ 500 मीटर्स की दूरी पे, तो वहाँ पे हम पैदल ही पैदल चले जाएंगे, अगला ब्लॉग मोटर ब्लॉग नहीं होने वाला है, सिर्फ पैदल पैदल नॉर्मल ऐसे ब्लॉग शूट करेंगे, अगला ब्लॉग हम दिखाएंगे आपको भानगढ़ का, भानगढ़ का भाई अगले ब्लॉग में भाई भानगढ़ किला देखने को मिला, जो भाई सबसे ज़्यादा भूतिया जगह बोलेंगे ना वो है, वो दिखाएंगे आपको, और एक बार हमारी बालकनी का व्यू चेक कर लो भाई लास्ट में जाते जाते क्या होने वाला है। तो गाइस ये आ गए यहाँ का भाई, एक बार व्यू चेक करो, ये भाई पूरा राजस्थान दिख रहा हूँ मुझे, तो देख रहा हूँ धूप धूप देखो भाई कितनी तगड़ी है, देख रहा हूँ आँखें नहीं खुलनी, इधर चेक करो भाई पहाड़, इधर अपना ये होटल और यहाँ पे चारों तरफ एक बार चेक करो भाई, देखो वो। तो गाइस कुछ ये व्यू है अपनी बालकनी का, और यहाँ से
क्या क्या दिख रहा है भाई? सारे पहाड़ वहाड़ सब दिख रहे हैं गाइस, भानगढ़ छोड़ के सब दिख रहे भाई। हम पे एक और बालकनी है, उड़ी देख के जाना। ये यहाँ से क्या दिखे? वो तो गाइस एक बार अपना होटल चेक करो भाई, कितने खतरनाक है। सामने देखो एक बार, पूरा होटल का एरिया जितना भी दिख रहा है मेरे को, होटल एरिया सारा है। ये देखो गाइस, ये पूरा बंदरों से फेंसिंग कर रखी है, बंदर वगैरह ना, इसलिए जाली लगी पड़ी है भाई। आप देखो जितनी भी देखो, आप चाहे लेफ्ट देखो अपने पहाड़, स्ट्रेट देखो पहाड़, चाहे राइट देखो पहाड़, पहाड़ नीचे देखो तो गार्डन और पूल भी है भाई अपने होटल में। सिस्टम मैं देख रहा हूँ, पानी पानी गड्ढा सा बना हुआ, पूल है वहाँ पे। तो भाई यहाँ सब कुछ भाई, पूल से लेके हर चीज़ हमारे होटल में, गजब का होटल है। बाकी अगर आपको कभी आना है ना भानगढ़ किला, तो यही वाला होटल बुक करना, बहुत पास में पड़ेगा। बाकी तो सारे ऑनलाइन बुक करोगे तो कम से कम कितने किलोमीटर दूर है? 30 किलोमीटर। ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है, ये ऑनलाइन अभी रजिस्टर्ड नहीं है, बट होटल भाई एक नंबर है, गजब। बाकी ये यहाँ का व्यू फिर से चेक कर लो, और कर देगा इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।